जो अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शंस कमेटी ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया, इसको हमें समझना चाहिए। 1267 जो कमेटी है, ये उन संगठनों और उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाती है जिनके अलकायदा या इस्लामिक स्टेट के साथ संबंध है। तो इसके अंतर्गत हम काफ़ी समय से ये कोशिश कर रहे थे कि मसूद अजहर को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, और हमारे अथक प्रयासों के बाद कल मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। और ये समझने वाली बात है कि हम पिछले 10 साल से प्रयत्नरत थे। मुंबई हमले के कुछ समय बाद 2009 से ही हमने ये शुरू कर दिया था कार्रवाई, और हमें 4 बार असफलता मिली क्योंकि चीन ने पहले इसमें टेक्निकल होल्ड्स लगाए, फिर ब्लॉक किया, और फिर अगेन अभी फरवरी के महीने में जब हमने इसको मार्च में इसको भेजा तो इस पर टेक्निकल होल्ड लगाया था, लेकिन वो टेक्निकल होल्ड कल निकाल दिया गया। और उसके बाद जो इस सैंक्शंस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं इंडोनेशिया, उन्होंने सूचित किया कि मसूद अजहर को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत मसूद अजहर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान से बाहर जाते ही उनकी जो भ्रमण करने की जो वो थी, जो स्वतंत्रता थी, वो काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। किसी वैश्विक संस्था से पैसे नहीं ले सकते, और पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आ जाता है कि वो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। तो ये नटशेल में जो है आप कह सकते हैं कि इस वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का जो परिणाम है। इसे बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक सफलता इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चीन जो इस वक्त पाकिस्तान पर काफ़ी हद तक निर्भर है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के कारण, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बावजूद चीन ने इस वक्त, जबकि दूसरी बेल्ट एंड रोड जो कॉन्फ्रेंस है वो हो चुकी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिसमें गए थे और पाकिस्तान काफ़ी कोशिश कर रहा था कि चीन अपना टेक्निकल होल्ड ना हटाए, उसके बावजूद चीन ने अपना टेक्निकल होल्ड हटा लिया। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रपोजल था, इसको अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को इस कमेटी के सामने रखा था। तो ये दिखलाता है कि इसके पक्ष में कितनी बड़ी सफलता है। और जैसा कि मैंने कहा, मार्च में भी जब इसके ऊपर चीन ने टेक्निकल होल्ड डाला था तो 15 में से 14 सदस्य इसका समर्थन कर रहे थे, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया भी शामिल था। मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, विरोध नहीं किया। जो प्रस्ताव आया था मार्च में वो भारत की तरफ से ही नहीं, भारत तो इसका सदस्य नहीं है, वो प्रस्ताव अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ से आया था, वो इसका समर्थन कर रहे थे। जो प्रस्ताव है कि मसूद अजहर को प्रतिबंधित आतंकवादी, वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, ये प्रस्ताव अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने लाया था जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और जब ये मार्च में आया था तो 14 सदस्यों ने सैंक्शंस कमेटी के इसका समर्थन किया था, जिसमें ये 3 राष्ट्र तो थे ही थे, साथ में रूस भी था। सिर्फ चीन एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जिसने इसको टेक्निकल होल्ड पे, चीन ने भी इसका विरोध नहीं किया था, चीन ने टेक्निकल होल्ड पे कहा था। उनका कहना था कि हमें कुछ और समय चाहिए और इसकी टेक्निकलिटीज़ चाहिए कि इसको सबूत से हमको लगे कि भाई हाँ ये बात सही है। और अब चीन का जो कल वक्तव्य आया है वो ये कहता है कि जो हमारे पास जो दस्तावेज आए हैं उससे हमें लगता है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रस्ताव है इसका समर्थन करना चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 5 साल जो डिप्लोमेसी या राजनयिक संबंधों की जहाँ तक बात करते हैं, भारत के लिए एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पीरियड रहा है। और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर ये समझना चाहिए कि 2014 से ही भारत चीन संबंध जो है एक नए आयाम पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कई दशकों से भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है इस सरकार के दौरान। अगर आपको याद हो तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले विदेशी बड़े नेता थे जो भारत आए थे, और 50 साल बाद, 5 दशकों से ज़्यादा के बाद पहली बार किसी चीनी नेता को सार्वजनिक रिसेप्शन दिया गया, उसका सार्वजनिक सम्मान किया गया अहमदाबाद में। और उसके बाद जो भारत चीन संबंध है उसमें एक नए आयाम आए हैं। अगर हम देखें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो राजनयिक संबंध स्थापित किए गए हैं,
उसमें कई अनकन्वेंशनल चीज़ों का प्रयोग किया गया, जैसे वुहान समिट हुई, इस तरीके की चीज़ें पहले कभी देखी नहीं गई। तो चीन, जिसे हम पहले एक विरोधी राष्ट्र मानते थे, उसका हमारे समर्थन में आना, मैं कहता हूँ हर चीज़ में नहीं पर काफ़ी हद तक, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा क्या है कि इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर भी भारत ने बहुत बड़ी घुसपैठ की है। अगर आपको याद हो, इस साल भारत की विदेश मंत्री को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने निमंत्रण भेजा एक विशेष अतिथि के रूप में इनॉगरल सेशन में हिस्सा लेने के लिए। और यही भारत को 50 साल पहले 1969 में निमंत्रण दिया गया, लेकिन जब भारत का डेलीगेशन वहाँ पहुँचा तो उसको हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो हमारा जो थ्रस्ट थी, जो हमारा जो वो थी सोच थी 2009 से वही थी कि हम कोशिश यही कर रहे थे कि मसूद अजहर को करें, पर जो उसमें डायनेमिज्म जो आया है वो 2014 के बाद काफ़ी हद तक आया है, और उसमें जो है हम काफ़ी राष्ट्रों की मदद लेने में सफल हो पाए और हम ये दिखा पाए हैं दुनिया को कि हम एक महत्वपूर्ण राष्ट्र। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अब पाकिस्तान पे दबाव होगा कि वो मसूद अजहर के खिलाफ कम से कम कुछ कार्रवाई करें, कम से कम दिखाने के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दबाव में। आप ये समझ लीजिए, इसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की भी वो होनी है, रिव्यू होना है, और फिर IMF से लोन की बात चल रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय एक गंभीर मोड़ से गुजर रही है, तो पाकिस्तान के ऊपर इस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफ़ी हद तक आ सकता है। तो हो सकता है कुछ हद तक उसे मसूद अजहर की जो गतिविधियाँ हैं, जो खुलेआम घूमते थे, उसको उस पर रोक लगानी पड़े। और मसूद अजहर जो है जैशे मोहम्मद का सबसे बड़ा रिक्रूटर है, सबसे बड़ा काम जो उसका है वो ये है कि लोगों को प्रभावित करके उस काम के लिए तैयार करता है। तो जहाँ तक जैशे मोहम्मद की गतिविधियाँ हैं उनमें कुछ हद तक रोक लगेगी। दूसरी चीज़ ये है कि मसूद अजहर को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित करना ये दर्शाता है, मसूद अजहर कहाँ था, कश्मीर की जेल में था, जम्मू कश्मीर की जेल में था, और वहाँ से उसको एक वायुयान का अपहरण करके छुड़ाया गया। तो ये दर्शाता है कि वैश्विक समुदाय इस बात को समझता है कि एक आतंकवादी था जो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में संलग्न था, जेल में था और वहाँ से छुड़वाया गया एक आतंकवादी घटना के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इश्यू भी होता है। कश्मीर की जनता, कश्मीर के लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो विश्व जनमत है उसमें जो प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत चिंता है कि भाई चीन ने इस तरीके का कदम उठाया, क्या उसने पाकिस्तान को सूचित किया, और ऐसा लगता है कि उसने नहीं बताया, जबकि पाकिस्तान की जो सर्वोच्च नेतृत्व था वो अभी चीन में था कुछ समय पहले ही, उनको नहीं बताया और उसके बाद इस तरीके का झटका दिया। तो इससे पाकिस्तान का जो मनोबल है वो काफ़ी नीचे हुआ, और वैसे ही जो आतंकवादी हैं उनका भी मनोबल काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होगा। पाकिस्तान वैश्विक रंगमंच पर धीरे धीरे बिल्कुल अकेला पड़ता चला जा रहा है। जो चीन की बात करता है पाकिस्तान, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए करता है, क्योंकि उसकी जनता देख रही है कि अमेरिका, जिसके मद्देनज़र पाकिस्तान पहले उछलता था, अमेरिका पाकिस्तान से बिल्कुल दूर हो गया है और अधिकतर पश्चिमी देश उससे दूर हो गए हैं। इस्लामिक राष्ट्र जिनको वो अपना अभिन्न मित्र मानता था, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वो अब भारत से ज़्यादा बेहतर संबंध बना रहे हैं। तो अपनी जनता, अपने आवाम को संतुष्ट करने के लिए पाकिस्तान हमेशा कहता है कि चीन हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। हालांकि चीन ने ऐसी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है जैसे कि अमेरिका देता था या अन्य राष्ट्र देते थे। चीन ने सिर्फ अपने फंड्स जो हैं पार्क किए हैं पाकिस्तान में, और वो भी वैश्विक जो ब्याज दर है उनसे ऊँची रेट पर। तो चीन ने ऐसी लेकिन अपने आवाम को दिखाने के लिए पाकिस्तान ये कहता रहा है। अब इस तरीके के कदम के बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तानी विदेश विभाग का जो वक्तव्य आया है वो अभी भी ऐसे ही भ्रामक है। वो दिखा रहा है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी विजय हुई है इस बात में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में, और हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, और ये सब कहने को। तो ये अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने का उनका एक तरीका रहा है। और अब ऐसी हालात हैं कि पाकिस्तान लगता है विश्व में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान जिन पर बैंक करता था वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका हमारे खिलाफ चला गया है, लेकिन चीन, रूस हमारे साथ हैं, तुर्की हमारे साथ है, सऊदी अरब हमारे साथ है, और UAE और ईरान हमारे साथ हैं, पर इनमें से कोई भी राष्ट्र नहीं है। ईरान के साथ आपने देखा अभी टकराव हुआ, युद्ध की सी स्थिति आ गई,
संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने हालांकि पैसा दिया, लेकिन उन्होंने भी भारत के साथ जो मधुर संबंध है वो दिखाए। कुछ हद तक तुर्की एकमात्र राष्ट्र आज कहा जा सकता है जो थोड़ी हद तक पाकिस्तान के साथ खड़ा है।